हेलो दोस्तों, हेल्थ टिप्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी एक वायरस तेज़ी से फैला हुआ है, उसका नाम है आई फ्लू। आइए जानते हैं आई फ्लू से बचने के कारण और इलाज। अगर आप भी आई फ्लू से बचना चाहते हैं तो बस इस आसान तरीके को अपनाएं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मानसून के समय की आम परेशानी होती है आँख आना, यानी कि जिसे आई फ्लू कहते हैं। ये तकलीफ आंखों के लाल होने से शुरू होती है और उसके साथ आंखों में खुजली होना, चुभन होना, कई बार हमारी आंखों में सूजन भी आ जाती है आई फ्लू के कारण। आइए जानते हैं आई फ्लू से बचने के उपाय। आई फ्लू सिर्फ एक ही तरह से नहीं होता है, आई फ्लू के तीन अलग अलग तरीके भी होते हैं। आई फ्लू बैक्टीरिया भी होता है, इसके अलावा आई फ्लू वायरस से भी फैलता है। मौसम में एलर्जी के चलते भी कभी कभी आई फ्लू की परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं आई फ्लू होने के लक्षण। अगर आपकी आंख लाल हो गई हो या फिर आपकी आंखों में से पानी बह रहा हो, ये आई फ्लू होने का लक्षण होता है। आंखों में खुजली, जलन, पलकों का चिपकना भी आई फ्लू के लक्षण में होता है। आई फ्लू में आँखों में इन्फेक्शन होता है, इसे आँखों का भी आना बोलते हैं। ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में ये परेशानी देखने को मिलती है और एक दूसरे से भी ये ज़्यादा आई फ्लू फैलता है। आइए जानते हैं आई फ्लू से बचने के उपाय। आँखों को बार बार रगड़ने से बचें। आँखों से पानी आने पर किसी साफ़ कपड़े से ही आँखों को साफ करें। दिन में 2 से 3 बार आप रुमाल को गर्म करके आँखों की सिकाई करें। कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, और अगर आपको निकलना पड़े तो आप चश्मा पहन लें। आई फ्लू की समस्या ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि वो अपने हाइजेनिक का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनमें ये तेज़ी से फैलता है। स्कूल में खाना भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को टच भी करते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये ज़्यादा वायरस फैलता है। आप ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई में रखें, इससे आप आई फ्लू होने से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आई फ्लू से बचने के लिए भीड़ भाड़ में ना जाएँ, इधर उधर नहीं छुएं, अपने हाथ बार बार साफ़ रखें, हाथों को पानी से या फिर सैनिटाइजर से साफ़ करते रहें।